हमारे चैनल हिंदुस्तान केयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार के बारे में। बिहार में बेसिकली जो बिहार से सटे राज्य आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय देश से सटे आते हैं, उस जिले के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा जिला आता है। तो आइए देखते हैं, ये बिहार का नक्शा है, ये जो है ये बिहार का नक्शा है। हम जानते हैं कि बिहार जो है आयताकार की तरह है, आयताकार की तरह यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके बिहार में 38 जिला है। कितने जिला है? तो 38 जिला है बिहार में, 38 जिला है, सॉरी, बिहार में 38 जिला है। तो आइए देखते हैं। और बिहार के उत्तर में नेपाल है, यहाँ पे नेपाल है। दक्षिण में झारखंड है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, झारखंड है। और पूरब में पश्चिम बंगाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि बिहार में नेपाल से कितने जिले सटते हैं और वो कौन कौन से जिले हैं, पश्चिम बंगाल से कितने जिले सटते हैं और वो कौन कौन से जिले हैं, और झारखंड से कौन से जिले सटते हैं और उन जिलों के नाम, और उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले सटते हैं उन प्रदेश के नाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेपाल से कितने जिले सटते हैं। तो पहले हम उनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ये है पश्चिम चंपारण, ये है पश्चिम चंपारण, और पश्चिम चंपारण के बगल में ही है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, ये है मधुबनी, मधुबनी, फिर आएगा सुपौल, मधुबनी के बाद है सुपौल, सुपौल, यहाँ से सुपौल, सुपौल के बाद है, ये जिला यहीं तक है, सुपौल के बाद है अररिया, और उसके बाद है किशनगंज, किशनगंज। तो नेपाल से सटा जिला है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, चंपारण हम पहले ले लेंगे तो उसमें पश्चिम भी आ जाएगा, पूर्वी भी आ जाएगा, फिर सीतामढ़ी है, फिर मधुबनी है, फिर सुपौल है, फिर अररिया है, किशनगंज है। तो कितने जिले हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नेपाल से कुल कितने जिले सटते हैं? तो 7 जिला नेपाल से सटता है। कितना जिला सटता है? तो नेपाल से 7 जिला सटता है। तो कौन कौन सा? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जिला क्या है? ये नेपाल से सटता है। आइए अब देखते हैं दक्षिण में कि झारखंड से कितने जिले सटते हैं। तो झारखंड में सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैमूर, ये है कैमूर, फिर आता है रोहतास, रोहतास के बाद आता है औरंगाबाद, फिर आता है गया, फिर आता है नवादा, फिर आता है जमुई, बांका, भागलपुर। ये जिले क्या है? ये झारखंड से सटा हुआ जिला है। कौन कौन सा जिला हो गया? तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। कौन कौन सा जिला है? तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। तो ये झारखंड से सटे जिले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। झारखंड से सटा जिला कितना हो गया? तो 8 जिला झारखंड से सटा हुआ है। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में एक किशनगंज है ही, और भागलपुर नहीं, किशनगंज है, और फिर यहाँ पे है पूर्णिया, पूर्णिया, और कटिहार, कटिहार।
बिहार। ये तीन जिले क्या हैं? पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में यहाँ कैमूर है और यहाँ पश्चिम चंपारण है। कौन कौन से जिले हैं? तो कैमूर है और कैमूर हो गए और पश्चिम चंपारण हो गया। ये यहाँ से है और ये यहाँ से है और किशनगंज का यहाँ से जिला सटता है और इसका पश्चिम चंपारण का यहाँ से सटता है। तो कैमूर हो गया और पश्चिम चंपारण हो गया। बाकी बचा जिला यहाँ पश्चिम चंपारण के बगल में गोपालगंज, उसके बाद सिवान और फिर सॉरी ये होगा सिवान, ये गलत हो गया। ये है गोपालगंज और ये है सिवान, ये सारण और ये बक्सर। तो बेसिकली 6 जिला जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो वो कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर और कैमूर। ये 6 जिला उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। 3 जिला किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। 7 जिला रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, ये झारखंड से सटा हुआ है। और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिला नेपाल से सटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जिला हो गया। और जब बिहार झारखंड से 2001 में अलग हुआ था तो उसके पास 37 जिले थे और 38वां जिला बना अरवल। अरवल डिस्ट्रिक्ट जो है वह 38वां जिला और सबसे लास्ट जिला है। और बिहार के बारे में जानते हैं, बिहार का राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी बिहार का गौरैया है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प बिहार का गेंदा है, गेंदा का फूल। और प्रमुख चित्रकला मधुबनी है। और पवित्र पर्व है बिहार का सबसे फेमस, जिसकी देश विदेश सब जगह चर्चा है, वह है छठ पूजा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि बिहार से सटे अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के जो सीमा बनाते हैं उस जिला के बारे में, और हमने जाना कि बिहार में 38 जिला है और 38वां जिला अरवल है और सबसे छोटा जिला सीहोर और सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय चित्रकला प्रमुख चित्रकला मधुबनी और पवित्र पर्व छठ पूजा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल में किस प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।